एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस्सर हैं। सर, हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिस तरह से कल बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद हाई अलर्ट पूरे प्रदेश में। जो पूरी सिचुएशन थी उस हिसाब से सभी स्थानों पर अलर्ट किया गया और जहां जरूरत थी वहां फोर्सेस, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगाई गई। अभी तक सभी जगह शांति है। पूरे प्रदेश की पुलिस ने काफ़ी मेहनत से काम करके शांति बनाए रखा। सर, डीजीपी हेडक्वार्टर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है? जी हाँ, डीजीपी हेडक्वार्टर से हर प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश थे, जिनका कहना है कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए निगाह बनाई गई है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। देखिए, पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि डीजीपी मुख्यालय से भी पूरी तरह से नजर बनाकर रखी गई है और पुलिस मेहनत से काम कर रही है। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो, इसको लेकर लगातार डीजीपी मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। ये गाजीपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से देखिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कुछ ही देर के बाद गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा और उसके बाद कल सुबह कहा जा रहा है कि सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, लेकिन गाजीपुर में पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हलचल तेज दिखाई दे रही है। तो देखिए, कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। आज शाम को मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचेगा। तो देखिए, यूपी में अलर्ट किस तरह से, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, पुलिस किस तरह से तैनात की गई है। ये गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, एटा, हमीरपुर और मऊ, ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और आज देखिए शुक्रवार का दिन है, इस वजह से भी पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। किसी भी तरह की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर आपको दिखाई दे रही है। और अलग अलग शहरों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सड़कों पर पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुख्तार अंसारी की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग सिचुएशन, ये पांच अलग अलग तस्वीरें। तो देखिए मुख्तार अंसारी की जिंदगी से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं, जहां पर बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी ने कल किस तरह से हार्ट अटैक आई और उसके बाद दम तोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए, मुख्तार अंसारी एक वक्त पर यूपी में मुख्तार अंसारी का दबदबा किस तरह से था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देखिए कहा जाए कि कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो गाजीपुर पहुंचेगा और उसके बाद आप जो उनको दफनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा, तो क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि देर बाद, तो अभी यहाँ पर देखिए मुख्तार अंसारी के शव को पहुंचने में लगभग अभी 6 से 7 घंटे का जो समय है वो लगेगा। मतलब यहाँ पर 11 से 11:30-12 के बीच में यहाँ पर शव पहुंचेगा, क्योंकि बांदा से देखिए यहाँ की जो दूरी है वो लगभग 9 से 10 घंटे की एक पूरा जो कह सकते हैं यात्रा है, क्योंकि लगभग 400 किलोमीटर की ये यात्रा है। 26 वाहन देखिए इसमें आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के जो वाहन है वो भी इस काफिले में शामिल हैं। अपडेट की देखिए बात करें तो जैसे जैसे देखिए समय कम बच रहा है, वैसे वैसे पुलिस अपनी जो शक्ति है, अपनी चहलकदमी है, अपनी फोर्सेस की जो संख्या है उसको आगे बढ़ा रही है। आप देखिए अब यहाँ पर जो है एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुबह हम लोग जो बेधड़क इस रास्ते से अंदर जा सकते थे, लेकिन अब इस रास्ते से जाने की एंट्री नहीं है। यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी हैं और इधर से किसी को भी
अब अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सामने ही मुख्तार अंसारी का घर है और कोई भी मीडिया कर्मी अब अंदर नहीं जा सकता। तमाम पुलिस फोर्स हैं, देखिए आप यहाँ पे इस समय जो है वो कह सकते हैं कि फुटमार्च कर रही है, डीएसी भी है यहाँ पे, सीआईएसएफ भी है और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में आरएएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। तो मिला जुला के देखिए ये है कि पुलिस के सामने देखिए चुनौती है, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी के शव को यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि भीड़ देखिए यहाँ पे बहुत इकट्ठा हो रही है, तो भीड़ को किस तरीके से यहाँ पे आने से रोकना है, किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करना, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी के शव को कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा तो वहाँ पर उसके कुछ गुर्गे शामिल हो सकते हैं, वो किसी तरीके की ऐसी कोई अव्यवस्थता उत्पन्न करें, इसको लेकर जो इंटेलिजेंस की टीम है देखिए वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल जो देखिए अभी की स्थिति है, बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन संदीप आम लोगों को जाने से नहीं रोका जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं, आम लोग जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के पास, लेकिन क्या मीडिया कर्मियों को ही रोका जा रहा है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, आम लोग यहां से जा रहे हैं लेकिन जो मीडिया कर्मी हैं जो सुबह यहां से अंदर जा सकते थे, हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस कर्मियों की, प्रशासन की, मीडिया वालों से काफी हॉट टॉक भी हुई कि आखिर हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों ने इसका देखिए कड़ा जो विरोध है वो दर्ज कराया, यहाँ के लोगों ने भी ये बोला कि आखिर आप लोग मीडिया को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों के पास इसका कोई भी देखिए सवाल नहीं था, आम लोग जो हैं यानी जो मुख्तार अंसारी के आवास पर जाना चाह रहे हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए, उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन देखिए मुख्तार अंसारी की जो मौत है उसने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं राजनीतिक गलियारों में। देखिए आज सिर्फ मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जो है वो चर्चा में है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ओवैसी, सभी लोगों का देखिए कहना है कि जेल के अंदर अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान जो है वो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकता है। अब आज का दिन देखिए पुलिस वालों के लिए भी एक चुनौती भरा दिन है, क्योंकि जब तक देखिए मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस वालों की धड़कनें भी तेज हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी जो गतिविधि है वो उत्पन्न ना हो, जिससे पूरी जो यहाँ की ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था है वो खराब हो जाए। पाकिस्तान में किस तरह की तैयारी चल रही है संदीप, अगर देखा जाए कि देखिए कहा जा रहा है कि कल जो है वो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, कल सुबह की बात जो है वो एसपी की तरफ से बयान सामने आया है, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? आने में ही कम से कम 11 से 12 बज जाएगा, जब यहाँ पर वो पहुंचेंगे फिर उसके बाद उनको उनके आवास पर रखा जाएगा, परिवार के बीच में रखा जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सुपुर्दे खाक करते करते 3 से 4 भी बच सकता है। कब्रिस्तान में देखिए तैयारियां पूरी हैं, कब्रिस्तान में जो मुख्तार अंसारी को जिस कब्र में सुपुर्दे खाक किया जाएगा उसको मिट्टी करके पूरा जो तैयार किया जाता है, जब मुख्तार अंसारी वहां पर पहुंचेंगे तो बाकी प्रक्रियाओं को वहां पर पूरा किया जाएगा। कब्रिस्तान के देखिए आसपास पुलिस मौजूद है, इंटेलिजेंस मौजूद है, बाहरी कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकता है, तो पुलिस की, प्रशासन की तमाम जो ये तैयारियां हैं वो पूरी हैं, लेकिन बस अब जो इंतजार है वो खास तौर से यहाँ के रहने वालों तो भी मुख्तार अंसारी के शव का है कि वो एक बार अंतिम बार उनको देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, और सभी का देखिए यहाँ पर कहना यही है कि जब तक हम उनको नहीं देख लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारी भीड़ है यहाँ पे, मैं एक बार बोलूंगा अपने कैमरामैन को एक बार दिखाएं, आप देखिए जो हुजूम है वो ऐसा हुजूम यहाँ पे नहीं, हर एक सड़क पर आपको देखने को मिलेगा, गली गली में देखिए लोग जो है वो इकट्ठा है, और आप देखिए पूरी जो भीड़ है इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं जो मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंच रहे हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। तो कुछ ही देखिए घंटों का इंतजार है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं से एक राहत की सांस लेगा। लेकिन हाँ, मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे देखिए कई सवाल खड़े हैं जो सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं से एक आंखें दिखा रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर जब अपराधी सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेगा, तमाम तरीके के सवाल खड़े हैं। बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर परिवार की तरफ से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं संदीप, अगर देखा जाए। और ये कहा गया है पोस्टमार्टम को लेकर भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम जो है वो अलग हॉस्पिटल में कराया जाए। कल जिस तरह से वकील से मैंने बात की उन्होंने भी कहा कि उनका इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है।
लेकिन अलग हॉस्पिटल में इनका जो पोस्टमार्टम है उसको कराने को लेकर भी सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है और इस पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कुछ परिवार की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल शांतनु, मेरी मुख्तार अंसारी के भाई से सिबकतुल्ला से मेरी बात हुई और जब इस बात को लेकर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग दूसरे डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, तो उन्होंने फिलहाल देखिए इस खबर को आधारहीन बताया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए ये भी कहा जा सकता है कि एक तरीके से उनका कहना ये है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा है, जो हो रहा है होने दीजिए, इंसाफ मिलना नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें कोर्ट की प्रणाली पर भरोसा है और हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वो देखिए कहीं ना कहीं से परेशान नजर आए, पुलिस से भी परेशान नजर आए, सरकार से, सिस्टम से। और उनका कहना यह है कि सरकार जो है वो प्रभावी है, वो अपने तरीके से काम कर ली है, कर लेने दीजिए, हमें उम्मीद नहीं है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये माना जाए कि देखिए पोस्टमार्टम, क्योंकि पोस्टमार्टम देखिए सभी को पता है कि किस तरीके से वहाँ पे तमाम जो डॉक्टरों का एक पूरा पैनल था, वीडियोग्राफी, तमाम चीज़ों के, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और उसमें जो सरकार है, जो मेडिकल विभाग है, वो भी किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अपना जो है उसके पास तमाम जो ऑथेंटिक एक ये कहा जा सकता है कि सबूत है उसको वो अपने पास रखना चाहता है। बताया जा रहा है बिस्तरा भी देखिए सुरक्षित रख लिया गया है कि अगर कल को किसी भी तरीके का कोई सवाल खड़ा होता है तो एक बार फिर से उसकी जाँच करी जा सके। न्यायिक जाँच के लिए देखिए कहा गया था, उसकी मंजूरी मिल गई है। ये कहा गया था कि जो अमर अब्दुल्ला है उनकी उनको पैरोल के लिए कि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो जाए, लेकिन एक कोर्ट ने उसको अनुमति नहीं दी। ये बताया गया कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ पे इनकी सुनवाई होती है आज ही, कि आज क्या उनको पैरोल मिल जाती, क्योंकि अगर आज देखिए पैरोल नहीं मिल पाती है तो अपने पिता के जनाजे के कार्यक्रम में, अपने पिता के जनाजे में उनका बेटा जो है वो शामिल नहीं हो पाएगा। और बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी है अमर अब्दुल्ला। संदीप वापस आते हैं आपके पास।